तो फ्रेंड्स, गेट 2017 का क्वेश्चन है और मेरे चैनल में क्वेश्चन पढ़ने का एक ही तरीका है कि आप इसको पॉज करिए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और फिर इसको प्ले कर दीजिए उसका सॉल्यूशन देखने के लिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसमें जो है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप पूछा है। और COP ऑफ हीट पंप क्या होता है, COP ऑफ हीट पंप क्या होता है आपको शायद मालूम होगा, Q बाय W। अब ये क्यू बाय डब्ल्यू कैसे आया, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि QH अपॉन QH माइनस QL से, ठीक है ना। तो ये QH जो वैल्यू है ये जो है हाई हीट वैल्यू है और QL जो है वो लोअर हीट वैल्यू है। तो इससे आप ये सिंपली, अगर इसमें टेम्परेचर दिया रहता तो आप टेम्परेचर से ऐसे निकाल सकते थे TH अपॉन TH माइनस TL, ठीक है ना, ये TL। तो आपको अब इसमें एक सिंपल जो है अपन डायग्राम बना लेते हैं इसमें, जिसमें आपको सोर्स और सिंक के टेम्परेचर वगैरह की वैल्यू जो है मालूम हो जाए। तो इसमें जो है जो इनिशियल जो बॉडी है वो है 250 केल्विन पर, देखिए 250 केल्विन पर है और ये जो हीट पंप है ये एब्जॉर्ब करता है 10 किलोवाट ऑफ हीट फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट ऑफ 250 केल्विन। तो ये T1 है, T 250 केल्विन, और ये हीट पंप एब्जॉर्ब करता है कितना, 10 किलोवाट हीट। ये कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, 10 किलोवाट हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ये हीट पंप है, ठीक है ना। और इससे वर्क इसमें जो है एब्जॉर्ब कितना हो रहा है, वर्क ये हो रहा है 15 किलोवाट वर्क एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। और इसमें जो है डिलीवर्स टू द रूम द मस्ट एयर वार्म एट 300 केल्विन, मतलब ये 300 केल्विन जो है रूम को मेंटेन रख रहा है 300 केल्विन। तो ये 10 किलोवाट वर्क आया, मान लीजिए ये Q2 है और ये इसको मान लीजिए Q1 है और यहाँ जो गया ये Q2 है ना। तो COP जो है मैंने पहले ही बता दी थी क्या होता है, Q2 अपॉन W, क्योंकि Q2 अपॉन W क्यों होता है, Q2 मतलब हाई लेवल वाली हीट। तो ये हाई लेवल वाली मतलब इसको Q2 या QH से आप डिनोट कर सकते हो, तो QH या Q2 बाय W। तो Q2 क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखना Q2 क्या हो जाएगा, क्योंकि Q2 की वैल्यू आपको मालूम नहीं है लेकिन Q1 की मालूम है। तो Q2 क्या हो जाएगा, ध्यान से ये W प्लस Q1, क्योंकि W इक्वल टू क्या होगा, Q2 माइनस Q1। तो W क्या हो जाएगा, Q2 क्या हो जाएगा, W प्लस Q1 अपॉन W। तो ये कितना हो जाएगा, 15 प्लस 10 बाय 15। बहुत ही सिंपल था और ये आंसर आ जाएगा 1.666। COP का आंसर हमेशा 1 से बड़ा आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।